15 जून 2018। हर रोज की तरह भूख से बेहाल अपने चारों बच्चों को देख रहे थे शपनदेव वर्मा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, हाथों में कोई काम भी नहीं था। बड़ी ही मुश्किलों से दिन बीत रहे थे। एक तरफ कुदरत ने बारिश की मार दी तो दूसरी ओर किस्मत ने। परिवार को भूख से तड़पता देख वो बेचैन हो उठा। थक हार कर उसने तय किया कि कुछ भी करके वो अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करेगा। और इसी विचार के साथ वो अपनी 9 साल की बेटी शुमाती देवबर्मा के साथ हाथ में दाव लिए निकल पड़े जंगल की ओर, ताकि मछलियाँ और अन्य जंगली सब्जियाँ चुन सके और उन्हीं को बेचकर घर के लिए थोड़ी चावल खरीद सके। शपन देव वर्मा ज़्यादातर जंगल पर ही निर्भर थे और पेट भरने के लिए कभी कभी जंगली फलों को ही खा लिया करते थे। घर से निकलकर गांव से लगभग 2 मील की दूरी पर जब वह धनचरा देवबर्मा गांव के 120x8 और 9 के बीच की रेल पटरी के पास पहुंचे तो देखा भूस्खलन के कारण पटरी के नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। वह नजारा देखकर वह स्तंभित हो गया और लगा कि अगर इस पटरी से कोई भी रेल गुजरती है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और रेलगाड़ी पूरी झील में समा जाती। इस सोच ने सपन देव वर्मा को अंदर तक पूरी तरह झिंझोर के रख दिया और तय किया कि वह किसी भी तरह रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाएगा और अपनी बेटी के साथ पटरी पर बैठकर इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद करीब 3:30 बजे शुमाती को अम्बासा की ओर से सिलचर टू अगरतला जाने वाली रेल की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनाई पड़ते ही दोनों पिता और बेटी चौकन्ने हो गए और ठाना कि किसी भी तरह रेल को रोका जाए, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही दांव पर लगाना क्यों ना पड़े। इसी सोच के साथ वो पटरी के बीचों बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथों से कपड़े हिलाकर संकेत करने लगा। लेकिन रेल धीमी नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि कहीं रेल चालक उसे कहीं पागल ना समझ ले, और तभी उसे कुछ सूझा और उसने अपनी 9 साल की बेटी को पटरी पर खड़ा कर दिया और दोनों मिलकर रेल रोकने के लिए हाथ हिलाने लगे। 9 साल की बच्ची पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन पिता सपन देव वर्मा उसकी ढाढ़स बढ़ाते रहे। दोनों ने अपनी अपनी आँखें मूंद ली, यह सोचकर कि चाहे अपने प्राण ही क्यों ना चली जाए, उन्हें अपनी आखिरी सांस तक हजारों की जान बचानी है। आखिरकार रेल रुक ही गई और सपन देव वर्मा ने रेल चालक को वह कमजोर पटरी दिखाई जो किसी भी दबाव को झेलने में असक्षम था। रेल चालक यह देखकर हैरान रह गया और सपन देव वर्मा की इस सूझबूझ के लिए उन्हें शाबाशी दी और उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और इस तरह सपन देव वर्मा एक साधारण इंसान से रातों रात बन गए लोगों के लिए एक रियल हीरो। इस घटना से ये तो साफ है कि एक हीरो बनने के लिए अच्छा घर, अच्छे परिवार और धन संपत्ति से संपन्न होने की तो कतई ज़रूरत नहीं, चाहिए तो बस एक इंसानियत, एक संकल्प और एक साफ और सच्चा मन। और ये भाव त्रिपुरियों के दिलों में कूट कूट के भरा है। और सपन देव वर्मा के इस सोच और जज्बे को कॉक त्रिपुरा और पूरे त्रिपुरा वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन है।